ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। क्योंकि गीता जी एक ऐसा शास्त्र है, ना किसी मजहब या जाति से कोई संबंध नहीं इसका। ये तो उस समय रचा गया था, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। तो हम जो इस गीता के अनुसार साधना नहीं करते, वेदों अनुसार साधना नहीं करते, हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, वो न तो कभी सुख को प्राप्त होते हैं और न ही उनकी गति होए और न ही उनको कोई लाभ होए, अर्थात यूजलेस, कति व्यर्थ। फिर देखो, क्योंकि एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। जो रोजाना सत्संग सुन रहे हैं, उन पुण्यात्माओं को और गदगद होना चाहिए, बार बार सुनोगे तो यह बात समझ में आएगी। जैसे पहली क्लास के बच्चे को 100 बार सुख जाना पड़ता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, और 20-20 बार रट्टे लगवाने पड़ जाते हैं, जब वो कितना समझ में आने योग्य होती है बातें। ऐसे ही ये एक ऐसा निर्मल ज्ञान है, जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आना चाहिए आपको, क्योंकि भक्त आत्मा को प्रभु की प्यास होती है और कथा से वो कभी ऊबते नहीं। अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कहे, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र बना लिए, मनमाने धोक पूजा कर ली, मनमाने तीर्थों पर चक्कर लान लगे, कहते हैं वो मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को और न सुख कोई। अब देखो, इसलिए अर्जुन तेरे लिए, ये 24वां श्लोक 16वें अध्याय का, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है और मत करना। अब ये पवित्र शास्त्र तो बोला जा रहा था और वेदों की तरफ संकेत है। अब इस पवित्र शास्त्र में क्या मना किया है? तीनों देवताओं की पूजा मना किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। उसके साथ साथ क्या मना किया है? भूत और पितरों की सरहद निकालना, भूत पूजा, पिंड भरवाना, चौराहे की पूजा करना, ये भी मना किया भगवान ने। आप देखो अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 इसी पवित्र गीता जी का, श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के, ये श्राद्ध निकालने वाले पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, भूत पितर भी सुपीरियर क्वालिटी के भूत होते हैं, यानी इन आम भूत तो थोड़ी सी अच्छी तगड़ी क्वालिटी इनकी अच्छी इंप्रूव्ड है, लेकिन है ये भी भूत। पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत पूजने वाले ये पिंड भरवाना, इनके महीने 8, 13वीं, 6, 7वीं मनाना, ये जो कहते हैं ये भूत पूजने वाले, चौराहे की पूजा और फिर उनका, उनके कपड़े देना, उनके उस तरह की जो पूजाएं हैं, ये भूत पूजाएं हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब क्या सिद्ध कर दिया कि जो श्राद्ध निकालते हैं वो भूत पूजा यानी पितृ पूजा है, और जो श्राद्ध निकालते हैं तो वो आने वाले समय में वो श्राद्ध निकालने वाले भी पितृ बन जाते हैं। यही कारण रहा कि हमारे को अभी तक हमारे पूर्वजों को शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जाती रही। वो बोली आत्मा थी और उनको भाव कर देते थे कि आपका पिताजी मुझे, वो गुरु लोग बकाया करते, आपका पिताजी दिखाई दिया था मुझे और उसके पास कपड़े नहीं, पांचों कपड़े दो, उसके पांचों कपड़े खुश होकर देते, पिताजी को कपड़े मिलने चाहिए, पहनते गुरुजी और बहाना पितरों का। तो ये सब बनावटी बातें बनाएगी। तो क्या कहा है कि जो श्राद्ध निकालते हैं ना, जो ये गलत पूजा है, गीता मना करती है हमारी पवित्र शास्त्र, तो ऐसा हम कर रहे हैं तो प्रभु का आदेश तोड़कर हम फिर उसका दुख उठा रहे हैं। और पिंड भरवाना, फिर वो फूल उठाकर ले जाना,
फिर उसके गया जी में पहुंचना कि तो पंडारे ले जाना, ये सब भूतों की पूजा, चौराहे की पूजा, किसी बार मड़ी बनाकर पूजा करना किसी देव की, तो ये भूत पूजा होती है। इसको क्या बताया है कि देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, जैसे विष्णु जी का उपासक विष्णु लोक में, शिव का उपासक शिव लोक में, ब्रह्मा का उपासक ब्रह्मा के लोक में, और अपनी खाकर मड़ाई पुनः की फिर नरक में, और फिर पशु बनेगा 84 में, कुत्ता गधा बनेगा। और फिर क्या बताते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों के पास ले जाएंगे, वो पितर बन जाएंगे। अब हमारे पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना करके सारे पितर बने, और फिर उनकी हमने पूजा करी, हमारे मात पिता ने करी, फिर मात पिता भी पितर बने, फिर हम शुरू हो गए थे, हम भी पितर बनने थे। अब इसलिए गीता विरुद्ध साधना करके हम अपना हानि उठा रहे हैं, लाभ कती है, क्योंकि अभी बताया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको परम सिद्धि होती है, ना कोई परम गति ना कोई सुख होए। अब ये पितरों की पूजा श्राद्ध निकालना कहां से प्रारंभ हुआ, इन पितरों के संकेत तय, पितरों के आदेश तय, या किसी ऋषि आदि के कहने तय हमने वो शुरू कर दिए, जबकि भगवान का आदेश नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का गांव में एक व्यक्ति का दोस्त SHO था, थानेदार, और उसने उस व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, नाक में दम कर रखा है उसने, रोज परेशान करता है, शराब पी कर गाली देता है, कभी कुछ करता है, तो क्या क्या इलाज करूं। SHO बोला कि मार लठ सिर में, माफ देख लूंगा, बोला दो मार लठ उसके, माफ देख लूंगा। अब थानेदार की पाक है ठाट, SHO का पाक है सहारा, उसने जाकर अपने पड़ोसी का लठ मारा, उमारते मर गया, मर गया। तो वो एक दोस्त थानेदार उसका खड़ी लगा के लिया, अंदर कर दिया ठाके, फांसी टूट गया। ये आदेश किसका था, एक व्यक्ति विशेष का, एक व्यक्ति विशेष का आदेश था, लेकिन राजा का आदेश नहीं था। हमने राजा का आदेश मानना है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश यानी किसी अधिकारी विशेष का अमना आदेश नहीं मानना। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो चाहे वो कुछ भी सरपट कहे, तो उस इसी प्रकार जैसे ही दास आपको दिखाएगा एक मार्कंडेय पुराण, जिसमें क्या लिखा है, मार्कंडेय पुराण में एक रुचि नाम का ऋषि है, और उसने शादी भी नहीं कराई, वेदों को पढ़ा, वेदों अनुसार अपनी साधना शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा था, ओम नाम का जाप जपे था, और उसने सोचा भाई क्यों खाम का पंगे में पा दिया, ना शादी करवाता मैं, तो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करवाऊंगा। जब हो गया वो 40 वर्ष की उम्र का, इसमें लिखा है कि उसके 4 पीढ़ी के पितर बने हुए, वो पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादा, पड़दादा और फिर तीसरा दादा, और वो कहने लगे बेटा रुचि तूने शादी क्यों नहीं कराई, तू शादी करा, शादी करवा के फिर हमारे पिंड हमारे जो है ना सरहद निकाल। अब रुचि ऋषि कहता है पितामहो, इस पिंड यानी सरहद आदि निकालने को यानी पितरों की पूजा को, इस कर्म कांड को वेदों में मना किया है और मूर्खों की पूजा बताया है, फिर आप क्यों मुझे इस गलत काम में लगा रहे हो। और इस बात को पितर भी मानते हैं कि बेटा ये बात तेरी सही है कि वेद में इस तरह श्रुद निकालने को अविद्या कहा है यानी मूर्खता कहा है, फिर भी क्यों, फिर भी का क्या तात्पर्य, अड़गम सड़गम अपने अपने अटकल लड़ा के, फिर भी कहा है ऐसा है वैसा है, पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर आप भूखे मरे नो मरे श्राद निकाल बताओ पितर के दे देते हैं। जब गीता में वेद मना करते हैं स्वयं स्वीकार करते हैं वो पितर, और स्वयं भूत बन गए और बेटे को और परेशान मजबूर कर रहे हैं। अब देखो आपके सामने ये पवित्र शास्त्र, ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके यहां देखो 237 पृष्ठ पे या नीचे देखो, पितर बोले बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का
हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म होता है, उसे तुमने क्यों नहीं किया, यानी विवाह क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त होते हैं, मुक्ति नहीं पुण्य में लोकों को, और फिर वहां के अपने कर्म बिगाड़ कर फिर नरक में जाते हैं। न्यूना लिखा गया, वह श्रद्धा के उच्चारण से देवताओं को, स्वभा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा शब्द से पितरों से को, तथा अन्न दान आदि देवों को, आदि आदि से भूत आदि प्राणियों के एवं अतिथियों से को उनका भाग समर्पित करते हैं। अब देखो फिर लिखा है कि श्राद्ध आदि निकालना, श्राद्ध पितरों को, अन्न आदि से पितरों का ये श्राद्ध आदि निकालना। तो यहां फिर क्या लिखा है, रुचि ने कहा पितृगणों ये सारे दुख रोवे हैं, कैसा ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर यहां देखो, अब ये पितर देखो, इनके चारों पितर दिखाई देते हैं, पिता भी, दादा भी, परदादा भी और चौथा दादा भी। ये चारों कह रहे हैं कि बेटा तू ब्याह कर ले और शादी करवा के अपना हमारे श्राद्ध निकाल। रुचि कहता पितामहो, ये देखो अब ज्यादा ना बता के आप पढ़ सकते हो। रुचि ने पूछा पितामहो, वेद में कर्म को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। रोता हुआ कह रहा रुचि। और फिर पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को यानी श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतां की पूजा अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर के रह गया, फिर आगे, फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है, फलाना है, तगड़म है, ये तो अपने इनके अपने आदेश है और भगवान का आदेश वेद है, उसके विरुद्ध कर रहे हैं तो थानेदार वाला लठ है, बस फिर तो दुख है दुख उठेंगे। ये भी पितर बनेंगे, पेट बने हुए हैं और ये बेटा भी पितर बनवाओगे, बनवा दिया। अब चार चार भूत दिख जा, पिछले तो कल जा पट जा आदमी का। रुचि बोला ठीक है, जैसे कहोगे न्यू कर लूंगा मैं, तो भगवान का आदेश तो डुबा दिया उन्होंने, अपने अपने वंशजों को भी ले डूबे। आप तो गलत साधना करके पितर बन गए और साथ में ये कोड़ी आत्मा जो ठीक रास्ते पकड़ रहा था वो भी डबो लिया गया साथ में। तो अब ये हमने फिर सोचना होगा, कोई ये बालकों का लेख नहीं है गीता जी के, बच्चा ने वैसे लिख दिया होगा किसी ने, और ये तो जो पुराण है ये किसी ऋषि विशेष के या ब्रह्मा आदि भगवान के अपने लेख है। जैसे ब्रह्मा ने बता दिया ऐसे हुआ वैसे, ठीक है इन्होंने जितना देखा वो बता दिया, लेकिन फिर ये भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमने और नहीं बेरा, और खुद ये भगवान ब्रह्म भी कह देता है कि मैं भी उस परमात्मा के बारे में पूरा नहीं जानता। लेकिन ये संविधान जो गीता में लिखा है, पूजा की विधि, कौन सी पूजा ठीक है कौन सी गलत है, स्पष्ट वर्णन है। तो अब हमने इस गीता अनुसार साधना करनी है, फिर ना तम भूत बने, ना पितर बने, ना फिर श्राद्धों की आवश्यकता, ना फिर पिंड बनवाने। सीधी सी बात है, अब इसके विरुद्ध आज भी वर्तमान के संत जन बल्कि और बढ़िया विधि बताते हैं श्राद्ध निकालन की, जबकि मना कराना चाहिए था, बच्चों ये गलत साधना मत करो। इन्होंने तो ये तरीका बना रखा है कि तुम्हारी रोजी रोटी बनी रहे, तुम्हारी महिमा बनी रहे, बहुसंख्या में लोग इकट्ठे हो जाए, तुम्हारी प्रभुता बन जाए। यहाँ इस दास ने कति जरूरत नहीं, हम परमात्मा से डरते हैं, हम सियाने हो गए, वो नादान है, अनजान है, जो संत अभी गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं उनको डर नहीं लग रहा कि तुम इतने दोषी हो कि तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा नरक में भी, ये तो अलग बनाना पड़ेगा परमात्मा ने। कहने का भाव ये है कि जब बच्चा नादान होता है वो सर्प भी पकड़ ले, अग्नि में भी हाथ दे दे और बिजली के तार का हाथ लगा दे, और जब समझदार हो जाता है फिर सर्प का नाम लेते दूर कूद जाएगा, एक फुट तक निकट ना आ गया हो, और कोई नो कह दिए तार पड़ा है इसमें बिजली है तो एकदम दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका है। अनजानपने में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन निशाना हो जाना चाहिए, हम बालक नहीं रह रहे, पहले हमारे पूर्वज अनजान थे, नादान थे, उनको पता नहीं था, बोली आत्मा थी, जैसे भी कोई कह देता था वो सत मान्या करते, क्योंकि उनमें कपट नहीं था, और वो जो गुरु लोग थे वो कपटी गणे थे, उनको अपना स्वार स्वार चाहिए था, उनके लेखा चाहे कुएं में पड़ो। अब जैसे एक बार काशी में अफवाह चला दी, बनारस में एक नादान इन गुरुओं ने, मेरे जैसे अनजानों ने, पेट भरों ने क्या बना दिया कि जो काशी मरता है वो स्वर्ग जाता है। अब देखो, जब
क्या किया इन प्यारी आत्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने ये सोचा भाई ये संत जन है, विद्वान पुरुष है, वेदों के ज्ञाता है, इन्होंने ठीक ही फिर भगवान का कोई संदेश है इनके पास, तभी तो ये कह रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने अपने माता पिता को उस काशी में अपने गुरुओं के पास ले जाना शुरू कर दिया जब वो वृद्ध हो गए, और उन गुरुओं ने उनके पैसे फिक्स कर दिए, 2 रुपये महीना, पहले 2 रुपये बहुत महंगे कुछ होया करते, 10 रुपये महीना। अब ये देखा उन्होंने ये देखा कि ये 2 वर्ष ज्यादा से ज्यादा 1.5 वर्ष मेरे माता पिता का जीवन है, कोई बात नहीं, इनके नियमित इनको वहां छोड़ देते, ना जाने कब इनका उम्र आयु पूरी हो जावे, शरीर पूरा हो जावे, तब तक इनका खर्चा देते रहेंगे। तो प्रत्येक के गुरु एक अक्षेत्र के गुरु होते, उन गुरुओं का लिंक फिर वहां उन गुरुओं से होता काशी वाले से। तो वहां जा के उन बुजुर्ग आदमियों को उनके घरों में छोड़ना शुरू कर दिया, और उन्होंने लालच में ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है 2 रुपये या 4 रुपये महीना हमें दे देना, हम संभालते रहेंगे, जब तुम्हारे पिताजी शरीर छोड़ जाएंगे तुम्हें संदेशा दे देंगे, आ जाना, ये सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब वहां क्या हो गया, भीड़ गणी होगी, एक के गुरु के पास 100-100 बूढ़े हो गए, और बूढ़ा तो वृद्ध तो एक कहना से बड़ा घर में। अब उन्होंने सोची तो बात बिगड़ गई, लालच में काम तो बिगाड़ दिया, पर इन्हें संभालना कैसे। फिर उन्होंने केस स्कीम बनाई कि यूं कह दो कि भगवान का आदेश है कि गंगा के ऊपर क्रोत आवे है परमात्मा की तरफ से, और जिसने शीघ्र जाना हो ना स्वर्ग में तो वहां आरे से क्रोत से अपनी गर्दन कटवा लो, सीधा स्वर्ग मिनट में जावे, ये भी तरीका शुरू कर दिया। अब ने सोची भाई उनको मालूम था कि बुजुर्गों से सारे तंग आ लिया करें, तो घर वाले जाओ पिताजी देख ले मरना तो सही, और शीघ्र चले जाओगे ना दुखी हो रहे, वह भी सलाह दे, फिर साथ में गुरुजी सलाह दें, तो बुजुर्ग कह ठीक से बेटा करो काम, उनकी और फीस रख दी 2 रुपये 10 रुपये, जो करो तो लेगा ना शीघ्र उसकी 10 रुपये, वह 10 रुपये उस में 1000 रुपये के 10,000 बराबर होया करते, तो वो भी स्वीकार कर लिया अपने माता पिता को शीघ्र स्वर्ग भेजने के लिए। अब उन्होंने कैसा तरीका अपनाया कि एक ऐसी आर्च टाइप बनाई, गुफा केव बनाई, और उसमें जाकर के गंगा के किनारे पर बिल्कुल पौड़ी बना दी, और उसमें ऐसा सिर रखवा दिया उस बुजुर्ग का, बुजुर्ग को चे बड़ा जाना चाहो तो कोई आओ, वो तो अथा बना दिया उन्होंने गल काटन का। अब उसमें सिर रखवा दे और उसका कंट्रोल बना लिया थोड़ा सा, 100-100 फुट की दूरी पर झाड़ बोझड़े ज्यादा खड़े थे झाड़ जंखाड़, उनकी आड़ में जाके और वहां पहरा लगा दिया, कोई नहीं जा सके उधर अपना उन, क्योंकि उन गुरुओं का सारा बोलबाला वहां पर। तो वहां खड़ा होकर एक गुरुदेव आवाज लगावा जब उनके वहां गर्दन रखवा दे और कहे कि हे परमात्मा ये फलाना राम आपके पास आ रहा है, इसको स्वर्ग में शीघ्र स्वर्ग में स्थान देना। वो जान जाते आवाज की पहचान थी, वो फटाफट वो हैंडल घुमा देते और बुढ़े की गर्दन कट जाती और उसको धक्का दे देते गंगा में, चल भाई तेरे पिताजी का कल्याण हुआ। अब ये भी शुरू कर दिया हमने, क्योंकि हमने तो परमात्मा चाहिए, पिताजी का कल्याण होना चाहिए, वहां पर वो गल कटवाने भी प्रारंभ कर दिए, क्योंकि हमारे प्यारी आत्मा बोले बाड़े थे हमारे पूर्वज। अब उसको भी बड़ी मुश्किल से फिर वो उनका वो पकड़ा गया, गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया जब जाकर वो कसाई पड़ा खत्म हुआ था। तो अब जो ये शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाई जा रही उससे भी बुरा काम समझ लेना, ये श्राद्ध निकालना, भूतों की पूजा, देवताओं की पूजा करने से हमारी यही जन्म और मृत्यु, 84 लाख योनिया, पितर बनना, श्राद्ध ये भूत बनना, ये समाप्त नहीं हो पा रहा। तो कहने का भाव ये है कि अब हमने किसकी पूजा करनी है, वो परमात्मा कौन है और कैसा है। अभी तक जितने भी संत जन आज वर्तमान में जो लाखों की संख्या में प्राणियों को संबोधित करते हैं, दीक्षा दी हुई है, उनकी सबकी लेखनी उनके करकमलों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, उनकी अपनी सोच अंतिम उपलब्धि दास के पास उपलब्ध है, और सबको कंप्यूटर में फीड करके उनकी CD बनाकर पूरे हिंदुस्तान में प्रवेश करके भेज दी है, ताकि भक्तात्मा समझ सके कि वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं और संतों की अपनी अटकल क्या है। तो हमने जो शास्त्र के विरुद्ध साधना वो नहीं करनी चाहिए जिसके कारण हमें हानि होती है।
तो उन महापुरुषों ने क्या बताया है कि परमात्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है। और हमारे चारों पवित्र धर्मों के चारों पवित्र शास्त्र ये बताते हैं परमात्मा आकार में है और मनुष्य जैसा है, उसका नाम भी बता दिया कि उसका ये नाम है वास्तव में। और ये क्या बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। और अंग्रेजी बोलने लगे आजकल के ये महापुरुष संतजन क्या कहते हैं, प्रभु का प्रकाश यानी डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट माने दैवी प्रकाश यानी भगवान का प्रकाश, प्रभु का प्रकाश। और फिर इनसे कोई पूछता है तो परमात्मा है कैसा, ये कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, आकार रहित है, केवल प्रकाश दिखाई देता है और केवल एक धुन सुनाई देती है, यही उसका स्वरूप है, यही उसकी अंतिम उपलब्धि, समाधि की भक्ति की अंतिम उपलब्धि है प्रकाश का दिखाई देना और केवल ये नाद सुनाई देना। अब विचार करना जैसे कोई ट्यूबलाइट कहे ट्यूबलाइट, और फिर उससे पूछे कि ट्यूब कैसा है, तो वो कहे कि ट्यूब तो निराकार है, लाइट हमने देखा, अंधे ने कुछ नहीं देखा, वो तो बकवाद करे। अब अगर देखा होता, प्रकाश भी देखा होता तो बताता ट्यूब लाइट है, ट्यूब का लाइट है, ट्यूब का प्रकाश है। और ट्यूब कैसा है, एक सफेद सफेद डंडा सा होता है और उसमें से प्रकाश निकल रहा था, वो ऐसे बताता अगर उसने देखा होता, ट्यूब भी देखा होता, यानी प्रभु देखा होता तो प्रभु का प्रकाश बताता है और प्रभु निराकार नहीं बताता वो अनजान, क्योंकि उसकी कोई उपलब्धि नहीं, वो तो सुनी सुनाई व्याख्या एक दूसरे की सुनकर करे। अब जैसे मून लाइट कहते हैं अंग्रेजी में चंद्रमा की रोशनी, मून लाइट, और सन लाइट कहते हैं सूर्य की रोशनी। अब कोई रात्रि में ये कहे कि मैंने चंद्रमा की रोशनी देखी, बड़ी जगमग जगमग हो रही थी, बहुत ही सुहाना मौसम था, क्या बात, बड़ी चांदनी छिटकी हुई थी। और कोई इससे पूछा भी मून कैसा है, वो चंद्रमा कैसा है, वो कहे चंद्रमा तो है ही नहीं, वो तो दिखाई नहीं देता, अंधा है वो, उसने कुछ ना देखा, सुनी सुनाई कहे किसी दूसरे की, और उसकी सुनकर और अंधा शुरू कर दिया, उसकी सुनकर दूसरे अंधे ने, उसकी सुनकर तीसरे अंधे ने, एक अंधा दूसरे अंधे की व्याख्या सुनकर आप कहते फिर के भगवान निराकार है, यानी वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अब बताओ सूर्य के बिना रोशनी कैसी, प्रभु बिना प्रकाश किसा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बनावटी बात है। अब क्या है, एक शेख फरीद नाम के एक मुसलमान धर्म में जन्म था उस प्यारी आत्मा का। देखो थोड़ा सा हमने अपनी बुद्धि को ऊंचा उठाना, ऊंचा करना थोड़ा सा, क्योंकि हमने अब लोक वेद के आधार पर हम इतने आधारित हो गए, हिंदू तो अपनी क्रिया और अपने ही अभी वर्तमान के सब सिस्टम को सर्वोच्च मान रहे, सर्वोच्च मानते, और मुसलमान भाई अपने वर्तमान के सारी क्रिया को सबसे उत्तम मानते, और सिख अपने वर्तमान के क्रियाक्रम को सबसे उत्तम मान रहे हैं, और ईसाई अपने वर्तमान की जितनी भी पूजा उनको उत्तम मानकर कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि हम पहले एक थे, ना हिंदू था ना मुसलमान, सिख ना ईसाई, तो हमारे पूर्वज पहले ऋषि लोग थे, और वो सभी साधना जो पुण्यात्मा चाहे किसी भी मजहब में है उनको आज तड़प है परमात्मा की, वो डटी नहीं डटती, वो कहीं ना कहीं तड़प में घूम रही है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई व्रत में, कोई रोजों में, कोई नमाज में, यानी अपनी कोई नित नियम में, चाहे गीता जी के नित पाठ में अपने को वो लगाए रखा है, क्योंकि उन पर रुका नहीं जा सकता, उनकी उनका स्वभाव पिछले संस्कार से दबाव बना हुआ है, उनकी आस्था इतनी ज्यादा है। अब हमने ये देखना पड़ेगा कि जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे तो वो सारी व्यर्थ है। शेख फरीद का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ, पहले सब ऋषि लोग थे ये, जिनकी आज भी तड़प प्रभु में है। और मुसलमान धर्म में क्या बताते हैं कि परमात्मा बेचून है, अल्लाह बेचून है, बेचून माने निराकार। और सिख धर्म में भगवान निराकार, बताओ तू ही एक निरंकार। और ईसाई धर्म में भगवान को निराकार बताओ, कहते हैं व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, तो ईसाई लोग कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो निराकार है। हिंदू पूछ लो, किसी ऋषि का शास्त्र उठा लो, कहते हैं परमात्मा निराकार और केवल प्रकाश दिखाई दे और नाद सुनाई दे, ये इनकी अपनी सोच है, नहीं
अभी आपके सामने आएगा परमात्मा कैसा है। इससे सिद्ध होगा कि वर्तमान के जितने भी महापुरुष संत जन है वो सर्व सुनी सुनाई व्याख्या कर रहे हैं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं, आप स्वयं फैसला कर लोगे। अब शेख फरीद को पता चला, पहले शेख फरीद अपने नमाज करता था, रोजे रखता था, और जैसा भी बकरीद में वो मांस मिट्टी मीट भी खाता था बेचारा, जैसा ज्ञान था उसको, लेकिन फिर भी आत्मा संतुष्ट नहीं थी कि यह भक्ति सही है। एक दिन उसको एक सोफी संत मिला, उस सोफी संत के संबंध में वो काफी देर रहा, काफी दिन लगातार उसने संग किया, सत्संग किया, तो उसने बताया बेटा केवल इन रोजे रखने से और इस नमाज के कारण तो प्रभु नहीं मिला है, पर अल्लाह नहीं प्राप्त हो सकता, अल्लाह की प्राप्ति के लिए भाई कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा बेटा, ये कोई बालका का खेल नहीं है कि वैसे भगवान मिले। जैसा उनकी सोच थी उस महापुरुष की, और उस महापुरुष की काफी सिद्धियां थी, काफी सिद्धियों के कारण वो बड़ा उसकी प्रभुता थी, आम व्यक्ति उसके प्रभावित था। तो शेख फरीद ने सोचा वैसा महापुरुष है, सही बता रहा है, ठीक है। कहने लगे गुरुदेव फिर कैसे करूं भक्ति, आप मुझे दीक्षा दीजियो, मुझे शिक्षा दीजियो। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तब से प्रभु मिलेगा, यानी जितना कठिन साधना करेगा उतना ही प्रभु तेरे निकट आओगा। तो शेख फरीद ने गुरुदेव के बताए अनुसार साधना शुरू कर दी, बैठ कर तप किया, कभी खड़ा होकर तप किया, दूने लगा कर किया, फिर गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया। फिर सोचा भी गुरुदेव ने जो ड्यूटी लाई है प्रभु पाने की, और जिसके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया प्रभु प्रभु प्राप्ति के लिए, और यही काम नहीं बना तो फिर क्या फायदा इस जीवन का। ऐसा सोचकर एक कुएं के ऊपर के वृक्ष की टहनी जा रही थी, उसमें रस्सा बांध के और नीचे लटक गया कुएं में, गहरा पानी था उसमें, बहुत गुना पहले 150-150 फुट की गहराई में पानी जल होता था। वो क्या करे कि सारा दिन उसमें लटक जा और शाम सुबह बाहर आवे, थोड़ा सा अन्न खावे और फिर उल्टा लटक जावे। अब उसने जब देखा कि एक दिन वो बाहर आकर बैठा तो कव्वे आकर बैठ गए। अब वो बाहर आकर बैठ गया, उसका शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया जैसे अस्थि पिंजर होया करे, क्योंकि 12 वर्ष में 125 मन अन्न खाया, 125 मन मीन 50 किलो, 50 किलो अन्न और 12 वर्ष में खाना, एवरेज निकाल के देखो रोजाना की कितनी पड़े है, 1 तोला भी ना बनता, यानी 10 ग्राम भी नहीं बनता रोजाना का आहार उसका, और उसके कारण शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया और ऐसा बैठ गया बाहर आकर सुस्तान लग गया। कवियों ने देखा ये आदमी मरा हुआ है व्यक्ति है, इसकी आंख ने खा ले, शरीर में मांस तो है नहीं। जो ही कव्य माथे पर आकर बैठे तब उसने देखा कि कव्य तेरी आंख निकाल लेंगे, और अल्लाह मिला नहीं, देख ये क्या बनी है परमात्मा, ये तो जीवन व्यर्थ हुआ मेरा। यूं कहकर कहने लगा हे कव्यो मेरे शरीर पर कई मांस बचा हो उसको खा लो भाई, मेरी आंख ना छेट आंखें मत छूना, हो सकता मुझे अल्लाह के दर्शन हो दीदार पर जावे। शेख फरीद इतनी बात कह कह के कव्यो मेरी आंख ना छेट छुओ, आंख छोड़ दो, मेरे शरीर पर कई मांस नजर आवे तो वैसे खा लो सारे ने, हो सके मुझे भगवान का दर्शन हो दीदार हो, अल्लाह का दीदार हो जावे। इतना कहकर आंखों में पानी भर के और उठ कर चल पड़ा कि अब कौवे तुझे बख्शेंगे नहीं, या खा जाएंगे, इस आंखों को फोड़ देंगे, फिर कैसे दर्शन होंगे, बिल्कुल गर्भ शरीर हो जाएगा मेरा। ये सोच के उल्टा ही फिर उन पैरों का रस्सा बांध के और कुएं में लटक के और बड़ी फूट फूट कर रोने लगे, हे परमात्मा अब तो बाहर निकलने का भी हिसाब किताब ना रहा, बाहर जाते ये कौवे खाएंगे मेरे को। बहुत बुरी तरह रोया, बहुत बुरी तरह इतना रोया कि बस आंखों में तो पानी अश्रुधारा बह पड़ी, बह चली। इतने में वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, वो सत पुरुष सतलोक से आए, आकर के और उस कुएं पर खड़े हो गए, जिस कुएं में, जिस कोप में शेख फरीद लटक रहा था, पकड़ के उसका रस्सा ऐसे निकालने लगा और ऐसे ऊपर ने खींच लिए अपने, जैसे उल्टा लटका लटकाया अपने बराबर में ऊपर निकाल लिया और मुंह नीचे को लटक रहा है। अब शेख फरीद ने सोचा ये कोई शरारती व्यक्ति आ गया और तुझे तंग करने लग गया, बताइयो मुझे बाहर निकाल कर डाल देगा, कव्य मेरी आंख खा लेंगे। पहले भी शरारती बालक, शरारती व्यक्ति उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे, वो बेचारा कभी इधर लग गया करता, कभी इधर लग गया करता, चलो कोई ना, वो तो ला के चले जाते, फिर अपना कंट्रोल कर लेता था। उसने सोचा आज बिल्कुल निकम्मा आदमी टकरा गया, इसने तो तू बाहर ही निकाल लिया।
तो कहने लगा, भाई मुझे क्यों परेशान करते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमेश्वर कहने लगे, क्या कर रहे हो आप यहां पर? कहने लगे, मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा पूर्ण ब्रह्म ने कि जिसकी तुझे तलाश है, जिसके लिए तू प्रयत्न कर रहा है, वो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं अल्लाह हूं। शेख फरीद बोला, बकवाद मत करो, मजाक ना करो मेरे साथ, अल्लाह ऐसा नहीं होता, अल्लाह ऐसा थोड़ा ही होता है। तो कबीर साहब बोले, भाई और कैसा होता है आप बताओ, कि वो तो बेचून है, बेचून माने अनविजिबल, वो तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देता। फिर कबीर साहब बोले, बोले आत्मा नो तो सोच, तू कह क्या रहा है और कर क्या रहा है? एक तरफ तो कहता परमात्मा निराकार है, फिर उसके देखने के लिए और शरीर का नाश कर दिया तने नादान, ना तो तुम्हारी थ्योरी ठीक, ना तुम्हारा कोई आधार किसी का, तुम कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो? जब दीदार शब्द है तुम्हारी कुरान शरीफ में, तो बेटा वो आकार भी होगा उसका। अब इस बात ने समझ गया भी सचमुच, एक तरफ तो भगवान का दर्शन चाव और फिर ऊपर से उसको निराकार बताओ, ये कौन सा मेल हुआ? ये तो अनजाना की बच्चों की व्याख्या है। अब कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति को संकेत ही बहुत होता है। इतने में समझ गया कि ये, देखो हमारी बुद्धि फिर भी इतनी उल्टी फिट हो रही है कि ये मन में नहीं आया कि वास्तव में अल्लाह होगा। उसने न सोची कि ये जरूर कोई बाखबर व्यक्ति है, ये कोई तत्वदर्शी संत जरूर है, जब भगवान नहीं है। जब इसने इतना बढ़िया ज्ञान एक सेकंड में बता दिया कि नादान, एक तरफ तो भगवान को निराकार बताओ और फिर उसके देखने के लिए शरीर खत्म कर दिया, समाधि लाओ, देखा कुछ अंदर, देखा कुछ अंदर, क्या देखा? अब प्रकाश दिखाई देगा, कमाल के आदमी, मिलना भगवान तेरे देखे प्रकाश, कोई बात हुई है। अब हमने मिलना परमात्मा से, प्रकाश हमें क्या देगा? प्रकाश प्रभु बिना हो ही नहीं सकता, किसी भी वस्तु बिना वो प्रकाश हो ही नहीं सकता। और अन्य प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश के काम आया, वो अपना नेचुरल काम कर रहा है, लेकिन प्रभु मिलेगा तो उसका प्रकाश भी दिखेगा। जैसे कई कहते हैं ना, हमने अंदर प्रकाश देखा, जैसे सूर्य के बीच में, सूर्य के बीच में धुंध के बादल आ जाते हैं, धुंध, और सूर्य ऊपर होता है लेकिन उसका प्रकाश एज इट इज नहीं आता, जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता, पर उसमें से भी कुछ उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसको देख कर ये ब्रह्मांड में ये नादान आत्मा प्रभु की प्राप्ति बांध कर अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। परमात्मा बिना प्रकाश हो ही नहीं सकता। आपके सामने 20 प्रमाण दूंगा शास्त्रों में, और जिन महापुरुषों ने खुद आंखों देखा, जिनको अल्लाह के दर्शन हुए, जिस सतपुरुष को उन्होंने स्वयं देखा आंखों, उनकी व्याख्या आपके सामने पेश करूंगा, और फिर देखना आपको पता लगेगा ये संत आपको कहां ले जा रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं अंधे होकर। क्योंकि देखो, डॉक्टर इलाज करे तो मरीज कहां तक सोचे? ये तो डॉक्टर ने सोचना था, तो इसकी जान का खतरा हो रहा है, नीकम नीम हकीम ने खुद सोचना चाहिए, तू क्या दवाई दे रहा है, ये तो बेचारे खाएंगे करेंगे। अब जिसको प्यास है प्रभु की, वो तो ना जाने कहां कहां जाना पड़ेगा उसने, जब तक प्यास ना मिटेगी। उसके बाद शेख फरीद ने को कबीर परमात्मा ने बताया कि बेटा वो परमात्मा मैं हूं, मेरा नाम कबीर है, और मेरा सतलोक तकत जहां लिखा न, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तकत पर जा विराजा, मैं ही वो परमात्मा हूं, और उसी तकत से मैं यहां पर आया हूं तेरे पास। अब शेख फरीद ने कहा कि प्रभु ठीक है, मेरा उद्धार करो, मेरा उपदेश दिया परमात्मा ने कि ऐसे शरीर को समाप्त करने, ऐसे शरीर के साथ क्या दोष द्वेष थोड़ा ही है, ऐसे बुरी तरह इसके साथ सलूक किया तूने, परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे, चाहे तो ब्रह्म की साधना करो, चाहे पर ब्रह्म की, चाहे पूर्ण बनिया सतपुरुष की, केवल नाम की कमाई से प्रभु की प्राप्ति होगी और कोई तरीका नहीं। कबीरा सुमरण सारे है और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देखा ख्याल, कहता हूँ कई जाते हूँ सुनता है सब कोए, सुमरण से भला होएगा ना तो भला ना होए। अब वर्तमान के जितने भी महापुरुष संत हैं, उनके किसी किसी संत के पास से 1000 की संख्या में, किसी के पास से 200 की संख्या में, किसी के पास से 100 की संख्या में, वो बुद्धिजीवी प्राणी सीडी को देखकर, सत्संग को सुनकर, पुस्तकों को पढ़कर वापस आए। उन्होंने फिर बताया कि मैं 20 वर्ष से था, एक कहता मैं 30 वर्ष से था, वो कहता मैं 25 वर्ष से था, आज तक हमने तक कुछ दिखा को नहीं दिखा, कि जब
कुछ वस्तु होता दिखे, कहते गुरु बिन कहो न पाया ज्ञाना जो थोथा बुछड़े किसाना, थोथे बुढ़ सुने कूटन तक के पावा। प्रयत्न तो घना होता है पर आउटपुट कुछ नहीं। अब चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों में आपको प्रमाण देंगे परमात्मा आकार में है, मनुष्य जैसा है और उसी के शरीर से तेज निकल रहा है। उस पूर्ण परमात्मा का शरीर इतना तेजो में है कि एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, और उनकी भी रोशनी एक रोम कूप के से फीकी पड़े, इतना तेज उस कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के अंदर उनके तख्त के ऊपर बैठे हैं वहां है। और जब वो परमेश्वर यहाँ आते हैं तो उस ओरिजिनल शरीर के ऊपर एक ओवर कोट और बनाकर अपना इस हल्के तेज पुंज का, जैसे 100 वाट का बल्ब है, उसके ऊपर गहरे रंग की पॉलिथिन चढ़ा दे सफेद, उसका 10% प्रकाश भी बाहर दिखाई ना दे, जबकि 100 वाट के बल्ब का बहुत ज्यादा ना उसे। ऐसे वो परमात्मा जो कहते हैं उसके ऊपर एक ओवर कोट और पहन का आता है, क्योंकि उतना तेज को हम देख नहीं सकते इन आंखों से। और फिर अपनी लीला करके जाता है तो वही कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद को मिले थे आके, हजरत मोहम्मद को वही अल्लाह मिले थे आकर के, और उनको सतलोक भी लेकर गए थे। लेकिन उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के यहाँ अनुयायी बहुत हो गए थे, और उस समय तक वो जैसे आज इन संतों के साथ बनी हुई है, सामने सत्य तो सामने आ जाएगी लेकिन अभी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इनके लाखों अनुयायी हो गए, ये सत्य को स्वयं भी नहीं मान सकते कि वास्तव में सत्य यही है। लेकिन अब मैं और पहले में बहुत अंतर, अब सभी बुद्धिजीवी भक्तात्मा ये शास्त्र देखेंगे और फिर अपना विधिवत साधना करेंगे। हमने परमात्मा चाहिए किसी संत विशेष या व्यक्ति विशेष से हमारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ये 2 दिन का संपर्क है, कल शरीर छूट जाएगा, कोई साथ ना जाकर गलत साधना की होगी तो हमारे साथ हमारे भक्तिहीनता ही जाएगी, और सत साधना करेंगे तो हमारे साथ हमारे शुभ कर्म साथ जाएंगे। सबसे पहले आपको कुरान पवित्र बाइबल दिखाऊंगा। आप देखो भक्तात्माओं, इस अधूरे ज्ञान के आधार पर हम इतने अनजान हो गए। जब ये दास ने जगह जगह जाकर के सत्संग किया हर संसार, पहले तो आस्था पे चला, आस्था पे आस्था वाले जो वो बेचारे मजबूर हो गए, कहने लगे जी अगर ये हम सत्संग चलाएंगे तो बाकी संतों ने कह दिया कि हम वो अपने वापस ले लेंगे, हम नहीं देंगे आपको अपना कार्यक्रम, तो मेरी मजबूरी होगी, रोजी रोटी मेरी तो इन्हीं के सहारे चल रही है, मैं आपका प्रोग्राम नहीं चला सकता। हमने ये भी कह दिया तो मुंह मांगे पैसे ले लेते ना जितने चाहिए, पर एक भाई समाज तक जान दे सच्चाई ने, पर वो बेचारा मजबूर होकर मना कर दिया, कोई बात नहीं। फिर परमात्मा ने प्रेरणा दी कि जन जन को जाकर पहले हम इन प्यारी आत्माओं के सामने ये पेश करें जो कि तुम, एक बार ये बुद्धिजीवी समाज एक समझ गया ना हजारा ने समझा देगा घर जाकर, ये इतना निर्मल और स्वच्छ और बिल्कुल प्रमाणित ज्ञान है। और वही हो रहा है लाखों की संख्या में, अभी 1.5 साल के अंदर पुण्य आत्मा जाग गई है। और पहले तो स्वाभाविक जिनको घर घर जाके समझाया था वो तो पहले हमारे साथ हैं ये। तो हमने अब आपके सामने ये चारों पवित्र शास्त्रों मजहबों के पवित्र जो पुस्तकों के माध्यम से आपके सामने ये सत्य पेश की जाएगी। सबसे पहले पवित्र बाइबल देखिएगा, हमारे अपने चारों पवित्र धर्मों के पवित्र मूल शास्त्र जो बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन इनको ना समझने के कारण हर एक धर्म के अपनी सोच वाले जो व्यक्ति संत जन वो इसके विरुद्ध बताते हैं। और यही बात अब प्रमाणित करनी है कि सत्य कौन सा और असत्य कौन सा। देखिए पवित्र बाइबल पवित्र शास्त्र बाइबल, और ये कहां से प्रकाशित है, इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड कल्पिक मद्रास दूरभाष इतने, इसमें बिल्कुल प्रारंभ में लिखा है उत्पत्ति। इसमें लिखा कि 6 दिन में भगवान ने सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा। यहां देखो सृष्टि का के 7 दिन, पहला दिन, ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन और यहां देखिएगा 5वां दिन और नीचे आइएगा 6ठा दिन। हम 6ठे दिन से चलते हैं, कहां से नीचे देखो, अब 26 नंबर, 6ठे दिन में 26 नंबर से है, फिर परमेश्वर ने कहा
हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इति सिद्धम के अल्लाह जो है गॉड जो है परमेश्वर जो है मनुष्य जैसा है। हम मनुष्य को परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। नीचे देखो फिर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया अपने जैसा, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इन सात लाइनों में तीन वे लिखा कि मनुष्य जैसा भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, चाहे वो ब्रह्म है, चाहे परब्रह्म है, चाहे पूर्ण ब्रह्म, ये सब आकार में है। और ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा गाई जा रही है जिन छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा विराजे। ये कबीर परमेश्वर की पूर्ण ब्रह्म की सतपुरुष की तरफ संकेत है। आगे देखियो फिर इनको मनुष्यों को खाने के लिए आदेश प्रभु का। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको खाने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। भगवान अल परमात्मा की तरफ से कहीं भी मांस खाने का आदेश नहीं है। आगे इस पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ में या बाइबल में कि कहीं किसी देव का फरिश्ते का आदेश है अगर मांस खाने का तो वो थानेदार वाला आदेश है, वो दोषी होंगे दोनों। ये गॉड का आदेश नहीं है, पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है। और नीचे लिखा फिर और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और ऐसा ही हो गया। उनको भी किसी को मांस खाना इवन शेर तक को मांस खाने का आदेश नहीं है। और पहले सतयुग में मांस शेर मांस नहीं खाते थे। अब यह बात देर तक समझ में आवे नौके ये कैसे हो सके। अब कोई नौके के हिंदू लोग हमारे पूर्वज कभी मांस नहीं खाते थे कति ना जच्चे क्योंकि सारे तकरीबन खान लग गए। और कोई कहे सिख धर्म के अंदर वो 10 महापुरुषों ने कभी मांस छुआ भी नहीं, शराब तक हाथ नहीं लगाया और आज ये सिख धर्म के अनुयायी है। और मांस ऐसे खाओ जैसे लाड्डू जलेबी होती है। और 100 साल के बाद कोई नौ कहेगा ना कि ये सिख धर्म में मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही ये पशु पक्षी भी मांस नहीं खाते थे। देखिए नीचे सातवां दिन विश्राम का दिन। ये सब कुछ करके भगवान ने कहते हैं सातवां दिन को अपना सातवां दिन सारा काम समाप्त किया और सातवें दिन को विश्राम किया। फिर परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी कि वह पवित्र ठहराया क्योंकि उसने उसने अपनी सारी सृष्टि के कार्य को विश्राम किया। अब 6 दिन में सृष्टि रच कर और सातवें दिन परमात्मा ने विश्राम किया यानी जाग पहुंचा जहां पर वो रहता था। अब इसमें नाम नहीं दिखा, अपवित्र कुरान शरीफ इस नाम का प्रमाण देगी कि वो परमात्मा कौन है जिसका जिसने 6 दिन में सृष्टि की थी सातवें दिन तख्त पर जा बैठा। अब देखिएगा बाबा आदम से ईसाई और मुसलमान धर्म के जितने भी जो व्यक्ति हैं वो बाबा आदम को अपना पूर्वज मानते हैं। बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी कौन थे? जो जैन धर्म के सबसे पहले प्रवर थे क्योंकि ये हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो संत आत्मा भक्त आत्मा जो भी थे वो अभी वही चल रही हैं आत्माएं क्योंकि उनको पूर्ण मार्ग ना मिलने से जन्म और मृत्यु इनकी मिटी नहीं। अब क्या है कुरान शरीफ में 40% से लेकर 60% इन चारों कुरानों में पवित्र बाइबल का 40 और 60% के बीच में विवरण है और जो इनको सब मान्य है इन चारों इन मुसलमानों को भी ये मान्य है कि जो पवित्र कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का विवरण वो सही है। और इसमें क्या लिखा है देखिएगा कुरान शरीफ विशेष हिदायत दी है कि ये वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात जो पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, इन मुसलमानों को पक्का मान्य है। कुरान शरीफ नीचे देखिए कहाँ से प्रकाशित है, शेरवानी संस्करण लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। ये देखिए कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण प्रकाशक है लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से प्रकाशित है। इसमें है सूरत फुरकानी
नंबर 25 सूरत फुरकानी नंबर 25 में स्पष्ट है कि वो परमात्मा का नाम कबीर है और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि की थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ये है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर। इसमें देखिएगा ये पूर्ण एक कुरान शरीफ में जो पृष्ठ है वो जो का तू है, ये अरबी भाषा है और उर्दू लिपि है। अब इसी अरबी भाषा को देवनागरी लिपि में भी इस महापुरुष ने बहुत अच्छी कोशिश करके ठीक लिखा है। इसमें क्या लिखा नीचे देखिए, ये लास्ट लाइन यहां पर आती है 52 नंबर आयत। इसमें सीधा कबीरन, कबीरन माने कबीर, क्या लिखा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जैसे पवित्र गीता जी में एक भगवान बोल रहा है निराकार, जिसको हम निराकार कहते हैं, वो ब्रह्म काल बोल रहा है, और ऐसे ही ये ब्रह्म काल बोल रहा है हजरत मोहम्मद को संकेत दे रहा है। जैसे अर्जुन को भगवान काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके संकेत करता है कि वो परमात्मा कोई और है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी वही पूर्ण ब्रह्म है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है, उसी से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई। ऐसे ही यानी जिसको अर्जुन अपना भगवान मानने था वो भगवान किसी और भगवान की तरफ संकेत करता है, ऐसे ही हजरत मोहम्मद को उसका खुदा, जिसको हजरत मोहम्मद अपना अल्लाह मानता है, वो संकेत आदेश देता कभी आकाशवाणी करके और कभी किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके किसी पुजारी में या किसी फरिश्ते में, तो वो संकेत कर रहा है कि वो परमात्मा और है और उसी ने 6 जन्म में सृष्टि रची, उसी वो पूर्ण परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। और ये काफिर लोग, काफिर माने जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते और आन देवताओं की पूजा करते हैं, उनको काफिर लिखा कुरान शरीफ में। ऐसा ही गीता जी में लताड़ा है, बिल्कुल गीता और कुरान शरीफ और कुरान पवित्र बाइबल और जो है चारों पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, जहां तक इनमें प्रभु का संकेत है, प्रभु का ज्ञान, वो तो सही है, और बाद में जो अपने हिसाब की अटकलें देवों ने लगाई है वो अपने लेवल की अलग है, वो न्यारी दिखाई दे। तो इसमें क्या बताया है कि ये हजरत मोहम्मद को उसका खुदा कह रहा कि हे मोहम्मद, मैं जो तुझे बता रहा हूं मेरी बातों पर विश्वास रखना, और इन काफिरों का कह मत मानना जो कबीर को भगवान नहीं मानते, वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, तो उनकी बातों में आके और उनका अनुयायी मत बनना, यानी सतमार्ग को त्याग मत देना। उसका इसका अर्थ ये बताया है, इसने हिंदी भी किया है जितना इसकी समझ में आई इस महापुरुष ने। अब देखो सूरत फुरकानी 25 और नीचे वो, अब ये 52 नंबर आयत है, 52 से 59 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये वेद और गीता, ये कुरान और गीता एक बात बतावें। ये क्या लिखा है जहादन कबीरन, इसका अर्थ क्या दिया है कि हे तो ए पैगंबर, यानी हजरत मोहम्मद का खुदा बोल रहा है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना। ये हिंदी किया इस महापुरुष ने जिसने कुरान शरीफ का अनुवाद किया है, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना, बड़े उनका सामना करना, किस लिए, उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, जो लिखा ना कबीरन, कबीर परमात्मा ये लिखना था, तो वो कबीर परमात्मा है और काफिर उसको भगवान नहीं मानते, और तो उसके लिए संघर्ष करना, बस इतनी सी बात थी। अभी इसी प्रकार हिंदी वेदों के ज्ञाताओं ने जहां कबीर नाम लिखा उसका अर्थ कर दिया, जबकि लिखना था वो कबीर है बस, और वो मूल संस्कृत बिल्कुल सही। अब देखना आगे, आगे देखना कितनी स्पष्ट है, 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट होता है। यहां देखो ये आ गया 58 नंबर में, क्या लिखा है, वह कफा बीही बीजुनविच बीजुनबी इवाद ही कबीरा। ये मिसप्रिंट है, कबीरा कबीरा नहीं है, कबीरा, ये कबीरा है। अब क्या लिखा है कि वो परमात्मा कबीर ही पूजा के योग्य है, इवादई, इवादत माने पूजा, और इवादई माने पूजा के योग्य, पूजा के योग कबीर ही परमेश्वर है और कोई भगवान है ही नहीं। आगे देखो भी, ये है अरमा अरहमानु और फसल भी ही कबीरन, ये कबीरन है,
ये मिसप्रिंट है सारा, ये कबीर है। इसमें अर्थ ये देखो, इन्हीं के द्वारा इसका अर्थ देखो। फिर यहाँ पर इस महापुरुष ने आप हिंदी भी किया है, बहुत अच्छा प्रयत्न किया इन्होंने। और क्या बताया कि वो कबीर परमात्मा वही है, और वो वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चला, यानी अपनी शक्ति ते नीचे खारा फिर मीठा पानी, फिर किता खारा किता मीठा, दो सतहों में चालू कर रखा है। उसी परमात्मा की रजा है, कबीर परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंड रचे। और पानी मीठा और प्यास बुझाने वाला है, एक खारी कड़वा, और दोनों को एक आड़ मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, नर नारी बनाए, जिसने मनुष्य पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा बेटी आदि बना दिया, ससुराल वाला बहु दामाद बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हे हजरत मोहम्मद, तेरा खुदा जिसको हजरत अपना भगवान माने, अल्लाह माने, वो अल्लाह कह रहा है कि और भगवान है कोई, तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में आसानी से शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी देवी देवता न पूजे, ये ना फायदा दे ना हानि कर सकते, सूखे डरो तुम इनते पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, यानी जैसे एक कैसा दे सब सदा सब साध्य सबदा, यानी देवताओं की पूजा करते हैं और पूर्ण परमात्मा को छोड़ रखा है, मूल को नहीं पूज रहे हैं, टहनियों को पूज रहे हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने भेजने वाला अल्लाह कह रहा है, जिसने हजरत मोहम्मद को पैदा किया, भेज दिया, अवतार किया, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, देखो कितना प्यारी बात कही है हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है, ए पैगंबर उस जिंदा, क्योंकि ये कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप मां को मिलता है, ऐसे ही गुरु नानक देव जी को मिले, ऐसे ही गरीबदास जी को मिले, ऐसे धर्मदास जी को मिले, ऐसे ही मुलकदास जी को मिले, ऐसे दादू जी को मिले, ऐसे ही वो रामानंद जी को मिले। जिंदा महात्मा होता है मुसलमानों में एक लंबे से काले से टोप का चोटा, चोटे का टोप, और कोटे काला ही पहन के एक ऊपर से नीचे तक चोला, उसको जिंदा महात्मा कर। इन्होंने अर्थ कर दिया जिंदा का चैतन्य नहीं, उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में महात्मा आकर मिला था, पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है अर्थात अविनाशी है। और उसकी तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा गाओ, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है अर्थात वो पाप कर्मों को काट देता है। आगे देखो 58 में 59 में, जिसने आसमानों और जमीन, ये चीज बहुत ध्यान से देखने की ये लाइन, जिसने आसमानों और जमीन और उसके जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने उस कबीरा शब्द था ना, उसका बड़ा अर्थ कर दिया, वो लिखना था वो अल्लाह कबीर, बस सारी बात ठीक हो जाती। वो अल्लाह कबीर, ये अल्लाहु अकबर जो कहते हैं ये अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, जैसे स्थान को अस्थान बोल देते हम, ऐसे ये अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा। इन कबीर का शब्द बड़ा अर्थ कर दिया, वो अल्लाह देखो रहमान है, वो कबीर रहमान है जो बड़ी, तो उसकी खबर गीता जी के 34वें श्लोक का यों का तुम अर्थ है, तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से, इलम वाले से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा कह रहा है कि मैं उस पूर्ण परमात्मा के बारे में नहीं जानता जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, और उसकी खबर किसी बा, वह अल्लाह कबीर है, और उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से, उसकी खबर, फिर देखो तो उसकी खबर यानी उसके बारे में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर माने वेल नोन तत्वदर्शी संत से, इलम वाले से पूछ देखो।
अब इसमें नाम बता दिया कि कबीर है उसका नाम, और वो मनुष्य जैसा है, और छह दिन में सृष्टि रचि, सातवां दिन तखत पजा विराजा। इन दोनों पवित्र शास्त्रों ने ये प्रमाण कर दिया कि परमात्मा कबीर है, वो मनुष्य जैसा है। अब दो धर्म तो फारिग हो गए, स्पष्ट हुआ कि परमात्मा आकार है और ये सब निराकार बतावे। अब हिंदू धर्म को लेते हैं, वैसे तो जो पवित्र शास्त्र हिंदू को मान्य है वो किसी मजहब जाति के नहीं है, फिर भी वेदों को, वेदों ही जो गीता में भी वेदों का संकेत है कि वो शास्त्र वेद ही हमने माना है, और वेद में जो लिखा है वो पूरी जानकारी है, और वेदों में उस परमेश्वर का नाम भी लिखा है, उसका नाम क्या है। अब पहले मैं आपको, क्योंकि हमने जो भी परमात्मा को किसी संत या ऋषि की सोच के आधार पर ही अपने अपने को आधारित किया है कि उसके विचार सुने, उसने उसको निराकार बताया तो हम सब निराकार मान गए, उसके लिए आज के विशेषकर जो है ना वेदों के ज्ञाता इस कलयुग में विशेषकर महर्षि दयानंद जी को माना जा रहा है। और ये देखिएगा, क्योंकि ये उपनिषद है, उपनिषद क्या होते हैं कि जिस महापुरुष ने जैसे भी अपनी सारे जीवन की उपलब्धि हुई और जैसा भगवान को जाना समझा उसकी एक शास्त्र बना दिया, इसलिए कि सारे वेदों को कोई पढ़ नहीं सके और मैंने निष्कर्ष निकाल दिया, इस पर आश्रित हो जाना, ये सत्य है। अब देखिए सत्यार प्रकाश प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर, यहां से फिर देखिए इसका अच सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। अब ये क्या कहते हैं महापुरुष कि जहां पर अग्नि शब्द हो वेदों में उसको परमात्मा मानना चाहिए, और ये ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा, ब्रह्म को भगवान पूर्ण मानते हैं। ये प्रथम समुल्लास, ऊपर देखिए प्रथम समुल्लास और प्रश्न नंबर इसके 18 पे, नीचे देखना इधर ये 19 पे, ओम आदि नाम सार्थक हैं जैसे ओम खम आदि आदि, ओम आकाशवत व्यापक होने से खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ये ब्रह्म को सर्वशक्तिमान मानकर चले हैं, जबकि इससे ऊपर दो शक्ति और हैं, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। इन्होंने ब्रह्म को ईश्वर माना है, परमेश्वर माना है। आगे देखो, अब यहां देखिएगा अग्नि शब्द, या इधर देखिए ये प्रश्न नंबर 20 पे प्रथम समुल्लास। अब यहां देखिएगा कि महर्षि जी कह रहे हैं कि सब प्रकाश होने से परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है तो परमात्मा का आकार है, उसी से प्रकाश निकला। सब प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वरवान होने होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, ये ब्रह्म तक ही सीमित है, और सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों का संहार करने से रुद्र, मंगलमय सबका सुखदायी होने से आदि आदि। अच्छा नीचे देखो फिर, यहाँ आइए, अग्नि नाम ईश्वर का मानते हैं ये, यहां देखो अग्नि, ये देखो यहां है अग, अग इन गतार्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। और यहां देखो जो अग्नि शब्द के बारे में जानकारी, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने और प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अब इस अग्नि शब्द को याद रखना, ये 22 पे है और 21 पे आप पढ़ के आए हो,
ये एक ऊपर देखो 21, 21 पे नीचे आपने देखा कि इससे एक इससे जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने पूजा करने योग्य है उससे परमेश्वर, ये 22 पत्र देखो क्योंकि ये बहुत उल जावा ज्ञान है। ये 22 पृष्ठ पे परमेश्वर का नाम अग्नि है, स्पष्ट हो गया कि जहां वेद में अग्नि शब्द मिले उसको परमेश्वर शब्द समझना। वैसे तो अग्नि का नाम आग तो सब ने बेरा आग अग्नि माने आग, लेकिन संत जन भावार्थक शब्द बताया करते हैं ऋषिजन, जहां अग्नि शब्द है उसको परमेश्वर, वेद में जहां अग्नि शब्द लिखा है उसको परमेश्वर समझना। और उसके लिए स्वयं भी अब इसमें महर्षि दानंद जी ने यजुर्वेद पूरा और ऋग्वेद का आधा अनुवाद किया है। अब जब इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ऋग्वेद का जो प्रारंभ किया तो सबसे पहले विशिष्ट एक टिप्पणी दी है कि जहां पर अग्नि शब्द हो उसको परमात्मा का नाम समझें, जहां अग्नि शब्द लिखा हो ना उसको समझो ये परमेश्वर है। ऋग्वेद प्रथम मंडल महर्षि दानंद सरस्वती, और ये कहां से छपी है ये पुस्तक, सार्वदेशिक आर्य सभा आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अब इसमें सबसे पहले जहां से प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम मंडल को, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर प्रथम, प्रथम मंडल प्रथम संख्या, ये देखो अग्नि, अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है ये, अग्नि माने परमेश्वर, इन्होंने स्वयं टिप्पणी दी है। अब देखो इसमें वैसे तो इन्होंने शुरू में ही या नीचे नीचे आओ या देखो यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है, जो अग्नि प्रारंभ हुआ ना अग्नि से प्रमाण है। इंद्र मित्रम इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म है, यानी अग्नि माने सद ब्रह्म है। इंद्र आदि अनेक नाम है के अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सचिदानंद घन आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। जहां पर अग्नि शब्द लिखा है उसको परमात्मा मानना चाहिए कि परमेश्वर है, उसका अर्थ परमेश्वर समझना। आगे देखो नीचे आदि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से भी अग्नि का शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थ वाची है। नीचे देखो इस प्रमाण से मैं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। नीचे आओ फिर अग्नि और इस व्रत का परमेश्वर पति परमेश्वर है, इससे इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने भगवान, अग्नि माने प्रभु, अग्नि माने जहां अग्नि शब्द हो वेद में तो प्रभु मानना चाहिए। और स्वयं भी ये जब आगे करते हैं इसी में टीका देखो ये 2 नंबर में या नीचे देखो अग्नि माने परमेश्वर, अपने करकमलों से स्वयं लिखते अग्नि माने परमेश्वर। और नीचे देखो यहां देखो 2 नंबर में श्लोक नंबर 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब इसके साथ साथ और दिखाता हूं आपको, तब ये आपको यजुर्वेद का के अंदर दिखाऊंगा कि परमात्मा सह शरीर है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।